मर्सिडीज़ GLC 2020 के लॉन्च पे, जो कि फेस लिफ्टेड वेरियंट है जो लॉन्च हुआ है इंडिया में. मर्सिडीज़ ने वैसे इंटरनेशनल मार्केट में अपने काफ़ी सारे जो मॉडल्स के नए जो है अवतार उतार दिए हैं, लेकिन अब वो उतारना चालू कर देंगे धीरे धीरे इसके बाद. तो मैं हूँ प्रदीप सिंह और आप देख रहे हो इंजन ड्राइव. पहले बात कर लेते हैं कि इस 2020 GLC में क्या क्या चेंजेस आए हैं. सबसे पहले अगर देखें, यहाँ पर जो हेडलैम्प है वो थोड़ा सा चेंज करा गया, एलिस्ट्रेशन इसका चेंज करा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है अब LED DRS आपको इसके रैप अराउंड दिख जाएगी होते हुए. पहले जो आती थी वो एक स्ट्रेट लाइन वाली आती थी, अब जो है आपके रैप अराउंड में दिख जाएगी. और ये पूरी की पूरी LED यूनिट है, और यहाँ पर जो है पूरी प्रीमियम LED यूनिट यहाँ पर इस्तेमाल करेगी हम मर्सिडीज़ की, जो प्रीमियम कैटेगरी की आती है, और ये स्टैंडर्ड है हर वेरियंट में. और अगर आप देखें यहाँ पर जो बम्पर है वो भी यहाँ पर चेंज करा गया है, ताकि जो है इसके लुक को और एनहांस करा जा सके. और ये भी जो ऑफ रोडिंग ग्रिल है, ये स्पेशली मर्सिडीज़ की जो ऑफ रोडिंग व्हीकल्स होते हैं या उनकी कैटेगरी होती है, उसी टाइप की ये जो ग्रिल भी यहाँ पर दी गई है. हालांकि पहले जो आप देखते थे पूरी क्रोम में आती थी, यहाँ पर लेकिन प्लास्टिक टाइप का कुछ ऐड करा गया है, ताकि थोड़ी सी रगडनेस ऐड करी जा सके. और नीचे जो आपको कवर भी मिलता है, तो ये क्रोम मिलती है यहाँ पे, स्कर्टिंग मिलती है इसकी पूरी, ताकि इसकी जो रगड लुक को ना और एनहांस करा जा सके. और यही नहीं, इसके जो अंडरबॉडी भी आपको कवर मिल जाएगी, यहाँ पर गार्ड मिल जाएगा इसका, ताकि जो है अगर इसे आप ऑफ रोडिंग लेके जाते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए. इसी वजह से यहाँ पर जो है मर्सिडीज़ ने काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंजेस करे हैं. हालाँकि साइड प्रोफाइल वैसी है, कुछ इसमें चेंजेस नहीं करे गए. सिर्फ जो व्हील्स हैं वो 99 के व्हील हो गए हैं, उनका डिज़ाइन चेंज हो गया है, और वो भी स्टैंडर्ड है हर वेरियंट में. और यहाँ पर आप देखोगे कि फुट स्टेप जो साइड में दिया जाता है वो भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि एक काफ़ी रगड लुक इसमें ऐड कर रहा है. और रियर साइड में आप देखेंगे कि बॉडी लाइन वैसी है, सब कुछ वैसा ही है, थोड़ा बहुत बम्पर में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे. लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको जो टेल लैंप है वो भी पूरी LED यूनिट कर दी गई है. और जो इंटरनेशनली जो इनका ट्रेंड चल रहा है नई डिज़ाइन लैंग्वेज का, LED जो टेल लैंप होती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी डिज़ाइन कराया गया है. दो स्क्वायर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि एक इसके फील को, जो पूरी गाड़ी के लुक को जो है अलग बनाता है दूसरी मतलब कि पुरानी जो है गाड़ियों से. लेकिन हाँ, ये है कि ये गाड़ी में आपको काफ़ी सारा नयापन देखने को मिल सकता है. लेकिन यही नहीं, यहाँ पर जो है एक्सटीरियर और इंटीरियर में आपको जो है चेंजेस देखने को मिल जाएंगे. लेकिन इसके सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है यहाँ पर जो नया इंटरफेस आया है MBUX. जी हाँ, ये इंटरनेशनली अवेलेबल था काफ़ी टाइम से, अब ये पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया है मर्सिडीज़ ने, तो वो भी देखते हैं कि वो कैसा है. अब मैं जो है GLC के अंदर आया हूँ, जैसे आपको दिख रहा है. लेकिन यहाँ पर ही सबसे स्पेशल चीज़ है जो मर्सिडीज़ ने इंट्रोड्यूस करी है इंडिया में, वो है MBUX इंटरफेस, जिसके मतलब है कि एक कनेक्टेड कार है. जैसे अगर आप MG को देखा होगा, MG एक्टर को, उसमें भी जैसे आप वॉइस असिस्टेंट यूज़ करते थे, वैसे यहाँ पर भी है. जैसा मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, हे मर्सिडीज़, हाउ मे आई हेल्प यू प्लीज, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हाउ ओल्ड आर यू. ऐसी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी. कुछ भी अगर आपको इससे कमांड देनी हो, कुछ ऐसा करना हो, तो आप जो है सिर्फ अपने एक वॉइस से या अपने कमांड से ये सब चीज़ें कर सकते हो. जो ये टच स्क्रीन है वो 10.25 इंच की दी गई है, और अब ये टच फील के साथ आ रही है. जैसे मैंने बोला टच स्क्रीन है, उसका मतलब ये है कि अब जो मर्सिडीज़ है अब टच स्क्रीन प्रोवाइड कर रही है अपने इंफोटेनमेंट में. पहले ये ऐसा नहीं होता था, पहले इंफोटेनमेंट में प्रोवाइड तो करते थे लेकिन वो टच स्क्रीन नहीं होती थी. और साथ साथ यहाँ पर टच पैड भी दिया गया है, बहुत ही अच्छा है वर्क करने पे. आप बहुत ही आसानी से इसको यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा भी है पहले के मुकाबले. और इसमें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स जो हैं इनबिल्ट मिल ही जाते हैं. जैसे वॉइस असिस्टेंट के फीचर बताया आपको, इनसे टॉक करना हो वो कर सकते हो, कुछ काम कराना हो वो कर सकते हो. काफ़ी सारी कमांड्स हैं वो आप जो है इसमें आप देख भी सकते हो. और मर्सिडीज़ का कहना भी है कि इंडियन एक्सेंट को ये आसानी से यूज़ भी कर लेती है. और अगर बात करें कि ओवरऑल अब फेसलिफ्टेड GLC में फ़र्क क्या आया है, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि नयापन लगे, लेकिन हाँ थोड़ी सी कलर थीम आपको नहीं लगने वाली है. यहाँ पर जो है आपको वैसे ही सब इंटरफेस दिखने वाला है, वुडिश फिनिश दी गई है, और ये सब स्टैंडर्ड है. मतलब कि दो ही वेरियंट उतारे हैं मर्सिडीज़ ने GLC के अंदर, जो कि स्टैंडर्ड आ रहे हैं इन फीचर्स के साथ. और यहाँ पर जो है अगर आप मैं ड्राइवर साइड की बात करूँ, तो ड्राइवर साइड में यहाँ पर आपको दो एनालॉग मीटर मिलते हैं, जिसमें एक स्पीडोमीटर है, एक RPM है, और बीच में MID डिस्प्ले काफ़ी बड़ी हो गई है पहले के मुकाबले. जैसे आपको मालूम होगा सी क्लास में जब फेसलिफ्ट आया था तो वहाँ पर भी जो है ये बढ़ा दी गई थी, इसका साइज़ बढ़ा दिया गया था. लेकिन
यहाँ पर जो है एक मुझे यहाँ पर छोटी सी कमी लगी है वो ये है कि इंटरनेशनली यहाँ पर जो है आपको फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल रही थी, लेकिन मर्सिडीज़ ने यहाँ पर नहीं दिया। हालांकि ये चीज़ें जो है वो कॉस्ट एफिशिएंट होती हैं, इसीलिए मर्सिडीज़ ने जो है ये नहीं दिया यहाँ पर। लेकिन आपको पैडल शिफ्टर वगैरह सब मिलते हैं और नए स्टाइल का स्टीयरिंग व्हील आपको मिलेगा जो कि न्यू जनरेशन वाला है। तो मुझे लगता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कमी लगे। लेकिन हाँ, एक बात है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें अब ब्रेक असिस्ट भी आ रहा है। जो ब्रेक असिस्ट है वो रेडार बेस से काम करता है, तो मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पर एक इंक्रीमेंट हुई है टेक्नोलॉजी के मामले में भी। और यहाँ पर जो है आपको वायरलेस चार्जिंग पोर्ट मिलता है जो भी आपका फ़ोन सपोर्ट करता हो। और यहाँ पर आपको सारे स्विचेस मिल जाएंगे जो भी शॉर्टकट हो। पार्क असिस्ट है इसमें जो कि अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला आ रहा है, जैसे मर्सिडीज़ ने बताया नई जनरेशन वाला है। तो आपको जो है टाइट स्पॉट में अगर आपकी गाड़ी पार्क करनी हो तो वो भी हो सकती है, और टाइट स्पॉट से निकालनी भी हो तो भी ये बहुत मदद करता है ये सिस्टम। और यहाँ पर आपको सारे स्विचेस वगैरह सब कुछ वैसे ही मिलेगा, कुछ इसमें अलग नहीं किया गया। और यहाँ पर जो है वही स्पेस वगैरह, नीचे चार्जिंग सॉकेट वगैरह आपको सब मिल जाएगा, यूएसबी सॉकेट दिए गए हैं। और इसमें एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो भी आ रहा है, लेकिन जो ओवरऑल जो यहाँ पर फील है वो यहाँ आपको पुरानी वाली ही लगने वाली है। और हाँ, यहाँ पर बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ भी आपको स्टैंडर्ड मिलेगा हर वेरिएंट में, हालांकि दो ही वेरिएंट इंट्रोड्यूस करे जैसे मैंने बताया आपको। और जो पीछे की भी लुक है सारी वो सेम है, कुछ यहाँ पर अलग नहीं करा गया। लेकिन हाँ, ओवरऑल मुझे लगता है कि जो एक टेक्नोलॉजी अपडेट आया है इसमें, तो वो उस हिसाब से मर्सिडीज यहाँ पर जो है थोड़ा सा देखा आपने, कई बार परेशानी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने काम अच्छा किया है कि नई जनरेशन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है अब इंडिया में, तो जो कस्टमर है वो भी अब इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे। और ओवरऑल एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह यहाँ पर आपको दिख रही हैं, तो मुझे लगता है कि सब फीचर जो है अब इसमें प्रोवाइड हो गए हैं, तो कुछ भी ऐसी कमी नहीं है जो यहाँ पर आपको महसूस होने वाली है। मुझे तो काफ़ी पसंद आई GLC। अब देखते हैं बाकी चीज़ें और क्या है इसमें। यहाँ पे मर्सिडीज़ ने मर्सिडीज़ मी ऐप के बारे में भी दिखाया है। जैसा मैंने बताया आपको, GLC एक कनेक्टेड कार है, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी ले सकते हो। और कुछ कस्टमाइज़ भी करना हो, कुछ लोकेशन भी ट्रैक करनी हो, और सिक्योरिटी के भी फीचर भी आपको अपने मोबाइल फ़ोन में मिल जाएंगे अपनी गाड़ी के लिए। और GLC जो है वो 6 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। मर्सिडीज़ GLC के अंदर दो ऑप्शन आ रहे हैं इंजन के, जिसके अंदर दोनों ही 2.0 लीटर के इंजन हैं, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल जो है वो करीब निकालता है 197 PS की पावर, और जो है डीजल है वो निकालता है 194 PS की पावर। और डीजल जो है फॉर्मेटिंग में अव्हेलेबल है, लेकिन पेट्रोल जो है सिर्फ टू व्हील ड्राइव में अवेलेबल मिलेगा आपको। और दोनों ही मॉडल्स में आपको स्टैंडर्ड जो है ऑफ रोडिंग सस्पेंशन यहाँ पर मिलते हैं, जो कि एक पूरी जो गाड़ी के जो रगड़नेस को फील है और उसको जो है प्रैक्टिकलिटी में भी इंक्लूड करते हैं। अब जो इसका प्राइसिंग आया है वो आया है पेट्रोल का 52.75 लाख, और जो डीजल का है वो है 57.75 लाख का। तो ये प्राइसिंग है इसका, और दोनों ही BS6 इंजन है। आपको पता ही होगा नॉर्म्स सब आ रहे हैं, तो सभी BS6 में इंट्रोड्यूस होंगे, और मर्सिडीज सबसे पहली कंपनी थी जिसने BS6 इंट्रोड्यूस करा था मार्केट में। तो ये जो GLC है आपको कैसी लगी बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। और हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको, प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजन ड्राइव।